हाँ क्लासिकल सूफियाना, सूफियाना क्लासिकल सब गाएंगे अभी गाना, बैठेंगे सामने ही। हाँ वो वहीं बैठेंगे वहीं पर ही आराम में। हाँ कुछ मैं भी गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। बस भाई बिल्कुल भाई आओ आओ आराम में ना। आपको देखिए मतलब क्या व्यू है, क्यों नहीं मन करेगा यहाँ आने का लोगों का, क्यों नहीं करेगा। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं और इकारी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। जय श्री राम मेरे मित्रों, आज हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। ये हम बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और हमारे जस्ट सामने है वो है हमारा रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से हम निकल रहे हैं मनसा देवी मंदिर के लिए। लेकिन हम जाएंगे जहाँ से पैदल मार्ग है, यहाँ से जहाँ या जहाँ से बाइक्स और स्कूटीज जाती हैं हम उस तरफ जाएंगे। वहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्लेस है, उसे हम बोलते हैं छतरी यहाँ के लोग, वहाँ बैठेंगे। और ये देखिए आप अंकल को, अरे अंकल बस बस आराम से भैया, इतनी जल्दी कहाँ है भाई, कहाँ है इतनी जल्दी पहुँच जाओगे। तो हम अभी उस तरफ जा रहे हैं, ये सामने आपके आने वाला है शिव मूर्ति। शिव मूर्ति से हम स्ट्रेट ही जाना है, शिव मूर्ति के आगे जाके एक चौक आएगा, वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। सीधा जाएंगे तो हर की पौड़ी का रास्ता आ जाएगा, वहाँ से ही मनसा देवी आती है, बट हम लेफ्ट जाएंगे। और यहाँ से ये ऊपर से ट्रेन की पटरी है, उसके नीचे से हमें जाना है, वहाँ से हम निकलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहाँ पर वो है गुरुद्वारा, किससे पूछ सकते हैं, गुरुद्वारा वाली रोड की तरफ से मनसा देवी जाना है तो वो भी बता देगा। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे जस्ट राइट, यहाँ से राइट लेके अब सीधा जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है आप लोगों को, सिंपल सिंपल सीधा सीधा जाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जा रहे हैं मनसा देवी के लिए जा रहे हैं, ये सब ये टूरिस्ट हैं। तो यहाँ जाके अगर आप ऑटो से जाएंगे तो यहाँ आपको ऑटो वाला उतार देगा, लेकिन अगर आपके पास बाइक्स है तो आप ये जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये देखिए यहाँ छोटा रास्ता दे रखा है, यहाँ से जाके भी आप मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं, या फिर जहाँ मैं जा रहा हूँ ब्यूटीफुल प्लेस वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आराम से आप फोटो शूट्स कर सकते हैं और वहाँ जाके आप जैमिंग्स अगर गिटार विटार म्यूजिशियन है तो वो कर सकते हैं, या पीसफुल जगह देखनी है पूरा हरिद्वार का नज़ारा देखना है, वहाँ से आपको हर की पौड़ी भी दिखेगा तो वहाँ जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है, इतना स्वीट नज़ारा है और मौसम भी इतना बढ़िया रहता है, यहाँ ऊपर से ट्रॉली जा रही है ये। और ये राइट हैंड साइड पर था जो दूसरी तरफ से मनसा, ये यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो ये मनसा देवी मंदिर आ जाएगा, लेकिन अब स्ट्रेट जाएंगे तो जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पहुँचेंगे आप, वहाँ बहुत बढ़िया पीसफुल जगह मिलेगी। थोड़ा रास्ता ख़राब सा मिल सकता है भैया, पहाड़ों का रास्ता है, छोटा छोटा पहाड़ है ये, तो मज़ा आएगा। ये हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी दुकानें हैं, लोग यहाँ आते हैं, यहाँ हमने भी बाइक लगाई। अरे यहीं कहाँ हुई रे। अच्छा जी गाते हो क्या भाई? हाँ क्लासिकल सूफियाना, सूफियाना क्लासिकल सब गाएंगे अभी गाना, बैठेंगे सामने ही। हाँ वो वहीं बैठेंगे वहीं पर ही आराम में। हाँ जी कुछ मैं भी गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। बस भाई बिल्कुल भाई आओ आओ आराम में ना। तो हम यहाँ पहुँच गए अपनी जैमिंग करने के लिए और आप देख सकते हैं सामने का व्यू कितना ही औसम है, इतना बढ़िया व्यू है। और यहाँ हमारे को एक भाई साहब मिले, पार्किंग आई थिंक पार्किंग बॉय हैं जो पार्किंग में लगवाते हैं बाइक्स वगैरह, तो इन्होंने कहा कि आप गाना बजाना शुरू करिए मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ। तो देखते हैं भाई की आवाज़ कितनी बढ़िया है, क्या गाते हैं। और ये आप व्यू देखिए कितना ही प्यारा व्यू है। और ये देखिए आप सामने, यहाँ से आपको हर की पौड़ी भी दिखेगा और ये आप गंगा जी को देखिए, मतलब क्या व्यू है, क्यों नहीं मन करेगा यहाँ आने का लोगों का, क्यों नहीं करेगा। सो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस में आपको मैंने आने का तरीका बता दिया अगर आप हरिद्वार आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर जैमिंग। नीट की लती मोह ऐसी लागी, अरे वाह वाह, हो गई मैं मतवारी, बलि बलि जाऊं अपने पिया को, ए मैं जाऊं मोहे सुधि बुधि नाए रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरू मैं,
हारी मैं दिल हारी तेरे नाम ओ तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम पे मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदगे में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं ओरी हारी हो गई मैं तेरी दीवानी क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं ओ रिकारी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए। वाओ यार वाओ, क्या टैलेंटेड लड़का था भाई। मतलब हमारे इंडिया में कोने कोने में एक से एक टैलेंटेड बंदे पड़े हैं, बस इनको एक मौका मिले ना तो ये फोड़ के रख देंगे, फोड़ के। सो मित्रों, आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। एक लाइक स्पाइकी भाई के लिए तो बनता है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल कर दो जिससे स्पाइकी भाई को भी मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का। अगर आपको इसके आगे की वीडियो देखनी है तो मेरी एक पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, टॉप 10 बॉलीवुड सॉन्ग्स 2006 to 2022। उसके अंदर मैंने आगे का व्लॉग बना रखा है, वहाँ दूसरा आर्टिस्ट है लेकिन उसने भी एक नंबर गाना गाया। सो हम अलविदा लेते हैं, जय श्री राम मेरे मित्र।